गुड मॉर्निंग विद मी मैथ्स इंग्लिश दोनों एक साथ। और आपने ये चीज नोटिस की कि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का क्वेश्चन है, और देखते हैं जल्दी से जल्दी कितनी जल्दी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर बी लिखा है, अगर मैं कोट 61 लिखा है तो कोट 61 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 10:29 लिख सकता हूँ इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और कोट 79 को मैं लिख सकता हूँ 10:11। और भाई ये वैल्यू तो एक ही है, तो इस ए को मैं यहाँ रख सकता हूँ। इसका मतलब यार बी इक्वल टू 2a आ गया, जो कि ये रहा ऑप्शन में। यूं 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 क्वेश्चंस होंगे अगर आप अपना माइंड को खुला रखते हैं तो। टुडेज कॉन्सेप्ट, टुडे वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट आर्टिकल्स। व्हाट आर आर्टिकल्स? न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम आर्टिकल्स बोलते हैं, बट यहाँ पे हम कौन से वाले आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं? ग्रामर से रिलेटेड हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ए, एन और द की। सो मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस लिख रही हूँ, यू विल टेल मी कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीनिंग्स। इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग्स में क्या डिफरेंस है? मैंने एक सेंटेंस लिखा आई गो टू कॉलेज, मैंने एक और सेंटेंस लिखा आई गो टू द कॉलेज। What is the difference between their meanings? इन दोनों का मीनिंग एकदम अलग अलग है। There is a very big difference. किस वर्ड ने डिफरेंस जनरेट किया? This word the. इस the को लगाने से डिफरेंस आ गया। What is the difference? I go to college. I go to college का मतलब है आप कॉलेज जाते हो। किस लिए जाते हो? पढ़ने के लिए जाते हो। जब आप किसी चीज को उसके एक्चुअल पर्पस के लिए यूज करते हो तब आप उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाते, और जब आप किसी चीज को किसी और पर्पस के लिए यूज करते हो, पढ़ाई के लिए नहीं, आप हो सकता है कॉलेज किसी से मिलने के लिए गए हो, आप हो सकता है कॉलेज किसी को पिक करने के लिए गए हो, हो सकता है आप कॉलेज किसी की नोटबुक देने के लिए गए हो, तब आप क्या लगाओगे? उसके पहले आर्टिकल लगाओगे द। सो इन दिस आई गो टू कॉलेज का मतलब है आप कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन इस आई गो टू द कॉलेज का मतलब है आप कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं, किसी और काम के लिए जा रहे हो। तो व्हाट इज द रूल या व्हाट इज द कंसेप्ट कि जब भी आप कॉमन प्लेसेस, कौन कौन से हो सकते हैं? कॉलेज हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, क्लास हो सकता है, जब भी आप कॉमन प्लेसेस से पहले आर्टिकल नहीं लगाते उसका मतलब है आप उसके एक्चुअल पर्पस के लिए उसे यूज करते हो, जिस पर्पस के लिए वो बना है उसके लिए यूज करते हो। लेकिन अगर आपने कॉमन प्लेसेस से पहले आर्टिकल लगा दिया उसका मतलब है आप उसे किसी अनदर पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, उसको एक्चुअल पर्पस के लिए यूज कर नहीं कर रहे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने लिखा आई गो टू टेम्पल, इसका मतलब क्या है? मैं मंदिर गई। किस लिए गई? मैं मंदिर पूजा करने के लिए गई। क्यों? क्योंकि इससे पहले आर्टिकल नहीं लिखा हुआ। और अगर मैंने लिख दिया आई गो टू द टेम्पल, इसका मतलब क्या हुआ? मैं पूजा करने के लिए नहीं गई, किसी और काम के लिए गई। हो सकता है पूजा से मिलने गई हूँ, पूजा करने के लिए नहीं, पूजा से मिलने गई हूँ। तो क्या सेंटेंस मैंने लिखा? आई गो टू द temple. Students, you will learn a rule of English and a rule of maths regularly with us from now onwards. तो guys, अगर आपको sessions बहुत अच्छे लग रहे हैं तो like करना ना भूले, और अगर आप ऐसी videos आगे भी देखना चाहते हैं तो channel को subscribe करना ना भूले. You will meet us every day. और share जरूर करो.